हाय गाइस, दिस इज जियान। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आप लोगों के लिए मैं हाजिर हूँ लेके एक और फ्री जॉब। तो गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाला बेल आइकन को भी टच कर ले ताकि नई नई जॉब की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेके आप लोगों के सामने एक और रेस्टोरेंट जॉब विथ फ्री रूम विथ फ्री खाने के साथ में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पसंद आने पर अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। गाइस, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के आज का ये जॉब होने वाला है कुक, नॉर्थ इंडियन कुक, साउथ इंडियन कुक, वेटर एंड हेल्पर। न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग है बड़ा कैफे का, लोकेशन बेंगलोर जेपी नगर में। ये आपकी एडवांस बुकिंग रहेगी। रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है सितंबर मंथ में। तो जिस जिस कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस से जो आना चाहते हैं, अच्छी सैलरी के साथ में, खाना पीना रूम के साथ में, अच्छी फैसिलिटी के साथ में ये जॉब। सबसे पहले साउथ इंडियन कुक, जिसको डोसा बनाना आता है, वो कैंडिडेट्स कॉल और व्हाट्सएप कर सकता है। उसके लिए पहले अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक फोटो भेजें। उसके साथ में उसने कहां काम किया है, कितने साल काम किया है, कौन से रेस्टोरेंट में काम किया है, वो पूरा डिटेल्स लिख के भेजें। सैलरी उसकी रहेगी 18 to 20-25, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कितना है? काफी जो है वेटर, काफी जो सेफ रहते हैं ना, उनका 14 साल का एक्सपीरियंस होता है। उनकी सैलरी अबोव 25 के ऊपर रहती है, 25-35 हजार तक रहती है, प्लस खाना पीना रूम सब फ्री। तो अगर आपको डोसा बनाना आता है साउथ इंडियन में, साउथ इंडियन कुक, तो आपके लिए स्टार्टिंग 18, स्टार्टिंग इसलिए बता रहा हूं, आप आइए एक बार, आपका ट्रायल लिया जाएगा, ट्रायल एक दिन काम करेंगे, तब आपकी और होटल मैनेजमेंट की एक इंटरव्यू मीटिंग होगी 2-5 मिनट में। उसमें आप क्या सैलरी एक्सेप्ट करते हैं, प्लस आगे वाला क्या सैलरी ऑफर्ड करता है, दोनों के बीच में बातचीत में क्लियर होने के बाद में आपकी नौकरी पक्की। नेक्स्ट, नॉर्थ इंडियन कुक, जो नॉर्थ साइड का कुक को, उसके लिए अबोव 18 सैलरी, 18 से ऊपर सैलरी, मैक्सिमम 25 तक, 25-26-27 साल तक सैलरी, सेम डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितना काम किए कहां पे, उसके हिसाब से आपकी सैलरी नॉर्थ इंडियन कुक को। सभी में जो है एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं होता है, मिनिमम होता है 18 साल, उसके ऊपर में आप चाहे 30 के भी हो, 35 के भी हो, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हमेशा फर्स्ट जो है दिया जाता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हमेशा जो है पहला नंबर होता है। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडियन कुक, सैलरी सेम 18 से ऊपर और सेम फैसिलिटी, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री में। इसके अलावा वेटर, जो बंदा वेटर का काम कर चुका है, चाहे वो छोटी होटल में है या बड़ी होटल में, ऑर्डर लेने का काम रहेगा सेम वेटर का जैसा काम रहता है वैसा काम, उसकी सैलरी अबोव 12,000 से ऊपर, अब वो 12 भी होती है, 13 भी हो सकती है, सबका एक ही क्राइटेरिया हो कि आप आइए, एक दिन ट्रायल होगा आपका, जो कुक लोग है, जो शेफ है, उनका एक दिन ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद उसका टेस्ट कैसा होता है, वो टेस्ट में मैनेजमेंट को, होटल मैनेजमेंट को पसंद आना, प्लस जो मैनेजमेंट सैलरी बताता है वो कुक को शूट होना, और दोनों की सैलरी मैच होने के बाद में ओके। तो कहने का मतलब है ज्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें, आप एक आइए, एक दिन ट्रायल दीजिए, नेक्स्ट डे आपका एक आधा घंटा या मैक्सिमम मान के चले 45 मिनट्स का जस्ट इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बोले तो कुछ नहीं, आपका बेसिक पूछा जाएगा, कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं काम किया, कितना साल का एक्सपीरियंस है, वो सब, उसके बाद में सैलरी डिस्कशन। फिर क्लीनर बॉय, जो साफ सफाई का काम, टेबल साफ करना है, प्लेट्स उठाना है, क्लीन करना है, उसका, उसकी सैलरी सेम 11-12 लास्ट रहती है, 11,000 नहीं तो 12,000, सेम खाना भी फ्री, रहना भी फ्री। अब इन सब का 6 महीना तक क्राइटेरिया होता है, मतलब 6 महीने के बाद में कंपनी आपका सैलरी इंक्रीज करती है, सैलरी बढ़ाती है। लेकिन अगर आप 6 महीने कंटिन्यू काम करते हैं तब सैलरी 8 तारीख या 10 तारीख, अब वो इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि कुक लोग जो है ना, मतलब
जिसको सूट नहीं होता वो सडनली छोड़ के जाता है, तो होटल जो रहता है वो एकदम सडनली जो है उनको कुक मिलता नहीं है, तो वो ये लोग जो क्या करते हैं 10 दिन की सैलरी आपकी होल्ड करके रखते हैं। अगर आप महीना भर पहले इन्फॉर्म करके जाते हैं कि सर मैं जाने वाला हूं, तो आपकी जो है जो सीट रहती है, आपका जो है एक वहां पे जो है जगह रहती है वो सेफ रहती है। नहीं तो बिना बोले जाने से क्या होता है कि आपकी जगह हम लोगों को फिर दूसरा प्लेसमेंट करना पड़ता है उसकी जगह। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और सॉरी फॉर गाइस कि हम लोगों की तरफ से एक वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, 15 दिन में एक वीडियो, 10 दिन में एक वीडियो, बस उसका इतना ही रीजन है कि अभी जो है ऑफलाइन हम लोगों के पास काम बहुत ज्यादा आ रहा है, ऑफलाइन में हम लोगों के पास लड़के भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है ऑनलाइन हम लोग वीडियो नहीं चढ़ा पाते हैं। दूसरा ये भी बात रहता है कि हम लोग कभी भी जो है गई हुई जॉब का जो है अगेन वीडियो अपलोड नहीं करते। हम लोगों के पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिक्योरिटी गार्ड का आ गया, तो जब तक न्यू कंपनी नहीं आती तब तक हम लोग वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। और वैसे देखा जाए तो आप लोगों के लिए हम लोगों के पास में सिक्योरिटी गार्ड का, मार्केटिंग का, फील्ड एग्जीक्यूटिव का, होटल का, वेटर्स का, किचन हेल्पर का, वो सारी जॉब्स जो है चलती रहती है। आप कभी भी आइए, आपको एनी टाइम ये जॉब सारी मिलेगी। इसके अलावा काफी सारे कमेंट्स और काफी सारे कॉल्स ऐसे भी आते हैं, सर आप पिकिंग पैकिंग का जॉब क्यों नहीं लेके आते हैं, सर आप पिकिंग का जॉब लेके आइए, लाइक दैट फ्लिपकार्ट है या फिर लाइक दैट अदर्स जो कंपनी रहती है ना पैकिंग का काम, वो सब काम लेके आइए करके। तो वो गाइस ऐसा है कि काम बहुत आता है कंपनी में, काम की वैकेंसी की कमी नहीं है, लेकिन रीजन ये रह जाता है कि उन कंपनी के थ्रू जो है थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसमें क्या होता है कि वो सैलरी एकदम लो आती है, मतलब 15,000-14,000 सैलरी के लगभग आती है। फिर उसमें क्या रहता है कि हम लोग आप लोगों से जो है कुछ भी चार्ज नहीं करते, और काफी सारी कंपनी ऐसी होती है जो 12,000-13,000-14,000 में जो लेती है आप लोगों से 3,000-4,000 रुपए चार्ज करती रहती है, तो ऐसा हम लोग नहीं करते। दूसरी बात यह कि आजकल जो पिकिंग पैकिंग का काम रहता है उसमें जो है एक 6 महीने साल भर के अंदर अंदर लड़के लोगों को निकालते हैं, कंपनी चेंज हो गई फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आया फिर लड़के लोगों को निकाल दिया, सडनली जो है 50 लड़के लोगों को निकाल दिया, हमारी वहां से कॉन्ट्रैक्ट चला गया, हम लोग नहीं रख सकते, तो ऐसा होता है उन सब काम में। इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट जरूर आता है लेकिन हम लोग काफी जो उसमें ध्यान देते नहीं है। तो गाइस आप लोगों के लिए सेफ रेस्टोरेंट एक और जॉब, एक और अच्छा वीडियो। फ्रेंड्स ये वीडियो अपने से फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा, प्लस हमेशा की तरह कॉलिंग का टाइम और व्हाट्सएप का टाइम तो एनी टाइम रहता है, कॉलिंग का टाइम आप लोगों का सुबह 10 से लगाकर शाम के 5 बजे तक, संडे सैटरडे नो कॉल, अगेन गाइस संडे सैटरडे नो कॉल, संडे सैटरडे आप कॉल नहीं करें, व्हाट्सएप के थ्रू आप चैट कर सकते हैं, आपका 100% रिस्पॉन्स मिलता है। एक और बात लास्ट उन लोगों के लिए जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कभी भी जाना टाइम पास करने के लिए यहाँ नहीं आए गाइस। एक्चुअल काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो क्या सोचते हैं कि चलो फ्री का जॉब है और क्या, देखेंगे जाएंगे सूट होगा तो करेंगे नहीं तो निकल आएंगे, मतलब ऐसी थिंकिंग होती है लड़के लोगों की। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो कंसल्टेंसी जो काफी सारी एजेंसी रहती है जो चार्ज करती है वो मेरे हिसाब से सही चार्ज करती है, ताकि उनके चुंगल में एक बार आप फंस जाते हैं ना, पैसा दे देते हैं ना, तो आप वहां पे जाके स्ट्राइक हो जाते हैं, बन जाते हैं वहां पे, एक्सेप्ट हो जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता पता है, 3 दिन यहाँ क्या सर ये जो पसंद नहीं आया, फिर 4 दिन और कहीं चला गया, फिर हम लोगों का तो कोई दूसरा तीसरा काम आता, अच्छा सर मैं वो नहीं करूंगा सर मुझे वहां डाल दीजिए, हम लोगों के पास तो ये फैसिलिटी है हम लोग कर सकते हैं, पूरा फ्री ही रहता है हम लोगों के पास, आप लोगों से चार्ज नहीं लिया जाता। लेकिन आप एक बार जरा सोचिए कि अगर उन लोगों की तरह हम लोग आप लोगों से अगर चार्ज लेने लगे 3,000-4,000 तो आपकी क्या कंडीशन रहेगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार डिसाइड कर लीजिए पहले से ही गाँव से ही कि सर मैं XYZ आपको जो कॉल किया था मैं इस काम के लिए आना चाहता हूँ सर, 3 दिन पहले 4 दिन पहले ये काम अभी रनिंग में है क्या, आप सीट बुक कीजिए आइए आप लोगों के लिए काम मिलेगा। आप जो है सडनली आ जाते हैं सर मैं यहाँ पे हूँ मुझे काम चाहिए, मिलेगा क्या, मिल तो जाएगा। प्लस काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी बात हो चुकी होती है, वो आते हैं यहाँ पे 3-4 दिन काम करते हैं, मुझे सर ये पसंद है सर आपका एक वीडियो देखा था सर मुझे उसमें लगा दीजिए ना सर। तो गाइस ऐसा मत कीजिए, कहने का मतलब है कि आप 1 महीना काम करेंगे कहीं पे, वो पेमेंट आपको 10 या 8 तारीख को देता है, तो 8 दिन की सैलरी आपकी होल्ड हो जाती है वहीं पे। नहीं तो क्या होता है कि एक कंपनी में आप जाते हैं दूसरी जगह हम लगाते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह हम लगाते हैं, आखिर में एंड में फिर हम लोग आपका रिस्पॉन्स देना बंद कर देते हैं,
फिर हम लोगों की भी टीम ये सोचती है कि कैसा कैंडिडेट्स है यार, ये कहीं पर भी टिकने वाला नहीं है, ये कहीं पर भी करने वाला नहीं है। तो गाइस आप जरा इस चीज का ध्यान रखें, एक बार अगर डिसाइड कर लिया कि मैं रेस्टोरेंट में काम करूंगा तो आप 6 महीने 7 साल एटलीस्ट कीजिए ताकि आपकी सैलरी इंक्रीजमेंट हो। आप 9,000 का जो है काम पे आते हैं, 9,000 सैलरी में जो है जॉब पे लगते हैं, 3-4 दिन के बाद किसी वीडियो का जो है 10,000-11,000 सैलरी देखते हैं, वहां चले जाते हैं, फिर 1-2 महीने वापस आते हैं, तो इससे आपकी सैलरी कोई ग्रोथ नहीं होती है, इससे आपका एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता है, आप खामखा नुकसान में जाते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए जो। तो गाइस उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगेन आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है वो बंदा कॉल और व्हाट्सएप करें। इसके अलावा हम लोगों के पास में मार्केटिंग, सेल्समैन, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, हेल्पर, वेटर, सारी जॉब्स चलती रहती है। तो गाइस हम हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक अच्छी जॉब अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।